पहले मैंने फैज़ की गज़ल 1976 में सुनी थी जब मैं अलीगढ़ में पढ़ती थी। एक हॉल फंक्शन हुआ था, उसमें एक मेरी दोस्त थी, उन्होंने वहाँ पर उसको पढ़ा था सबसे। और वो गज़ल थी गुलों में रंग भरे बादे नौबहार। तो उस वक़्त हमको ये लगा था, हम लोग छोटे बच्चे थे, बच्चे क्या मतलब टीनेजर्स थे, तो ये लगा था कि ये कितनी रोमांटिक गज़ल है और किस कदर प्यार में और इश्क में डूबी हुई है। ये तो बहुत बाद में पता चला जब हमें खुद कुछ अक्ल आई और हम लोग थोड़े से और मेच्योर हुए कि ये गज़ल जो है ये एक इनकलाबी गज़ल है। और फैज़ जो थे वो एक तरक्की पसंद शायर थे। हमको ये सब बातें उस वक़्त मासूमियत कही है या जो भी जहालत कही है, जो भी कुछ कही है, हमें नहीं पता था। और बहरहाल मैं उर्दू की स्टूडेंट नहीं थी, इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी, तो हमको इंग्लिश में तो ज़रूर मालूम था कि कौन रोमांटिक पोएट हैं और कौन रेवोल्यूशनरी पोएट हैं, लेकिन उर्दू के बारे में इतनी इल्म नहीं थी। तो हो सकता है और भी कोई लोग हों जिन्हें ना मालूम होए गुलों में रंग भरे की पीछे क्या कहानी है, तो उनके लिए मैं कुछ समझाना चाहूँगी या बताना चाहूँगी। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, ये जो है ये एक उस वक्त लिखी गई थी जब फैज़ जो थे ख़ुद जेल में थे। और इनकी जो ये आई थी दीवान, इसका नाम था दस्ते सबा, और ये जब वो जेल में थे तभी पब्लिश हुई और वहीं पे इन्होंने इसका जश्न भी बनाया कि ये छपी है। तो इस गज़ल के पीछे जो एक इनकलाबी, एक सियासी और एक समाजी जो हलचल थी, उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये एक बहुत सादी सी गज़ल नहीं है कि वो एक माशूक जो है वो अपने आशिक से बात कर रहा है। ये एक उस हलचल की कहानी है, उस इनकलाब की कहानी है जो कहीं ना कहीं हर तरक्की पसंद शायर लड़ रहा था। और फैज़ ने तो बहुत इस बात का, उनको ख़ुद भी तजर्बा था, इसके लिए वो बहुत दफ़े जेल भी गए, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद एक दौर से गुज़र रहा था उस ज़माने में। तो जो इसका पहला मिसरा है, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो इसमें ये कह रहे हैं कि एक नई बहार आनी चाहिए, क्योंकि जो मौसम है वहाँ पे, और सियासी मौसम की ही ज़्यादातर कोई का ही जिक्र कर रहे हैं कि जो सियासी मौसम था जहाँ के ऊपर हर चीज़ जो थी वो ब्लास्फेमी हो गई थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मज़हब के ऊपर ज़ोर देने पाकिस्तान में होने लगा था ज़ियाउल हक़ के ज़माने में। ये उस ज़माने की सब गज़लें हैं कि एक ताज़ी हवा चले, कि कम से कम गुलशन का जो कि जो माहौल है वो बदले, ताज़गी आए इसके अंदर, एक रेवोल्यूशनरी जो है मौसम यहाँ पैदा हुए कि लोग जो हैं वो जो जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, उन सब चीज़ों के साथ हम लोग आगे बढ़ें। जैसे फैज़ की खुदी की बहुत मशहूर नज़्म है, बोल के लब आज़ाद हैं। अब दूसरा है, कफ़स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कफ़स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। कि कहीं तो हम लोग इस तरह की भी बात करें कि हो क्या रहा है मुल्क में और हमें क्या चाहिए। अच्छा, तरक्की पसंद शायरी में जो था वो गमे दौरा का ज़िक्र होता था, गमे जाना का नहीं। गमे जाना मतलब आप इश्क और आशिकी की शायरी थी, और गमे दौरा मतलब कि आप जो सियासी और समाजी हलचल है उसके बारे में आप बात करें। तो तरक्की पसंद सारे शायरों ने ज़्यादातर उसी की बात करी। कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से हो आगाज़, कभी तो शब सरे काकुल से मुश्क बार चले। कभी तो सुबह हो के महबूब के लब चूम के हमारा शुरू होए, और शब जो है वो गुज़रे तो आशिक के बालों के साए में गुज़रे, उसके गेसू में गुज़रे। कभी तो ऐसा भी मौसम आएगा। अब ये जेल में लिख रहे हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या गुज़र रही होगी। जो हम पे गुज़री सो गुज़री मगर शब हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। जो हम पे गुज़री सो गुज़री मगर शब हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। हम तो जेल में हैं, हम पे जो गुज़र रही है सो गुज़र रही है, लेकिन जो हमारी ये मेहनत है, जो हमारी ये जो हम सह रहे हैं, जो हम तकलीफ़ें सह रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं मुल्क का भला होगा। हुजूर यार हुई दफ्तरे जुनू की तलब, हुजूर यार हुई दफ्तरे जुनू की तलब, गिरह में लेके गिरेबां का तार तार चले। अब हमें बुलाया गया है अपने, हमको
नामा अमाल देने हैं, और हम जैसे पहले था कि गर्दन में जो गिरेबान था उसको हम बांध के चले। तो दफ्तर जो लफ्ज़ है उसको हम लोग आज ऑफिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दफ्तर का असली मतलब था रजिस्टर, जिस रजिस्टर में लिखा जाता था, क्योंकि ये दफ्तर में लिखे जाते थे इसलिए नाम ही इसका दफ्तर पड़ गया ऑफिस का। तो और चाक गिरेबान, तो आपको सबको मालूम है कि एक ये बहुत ही मशहूर इडियम है, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। फिर यहाँ पे उसी सियासी माहौल के जिक्र है कि हमारा मुल्क हमें इतना प्यारा है कि हम अपने मुल्क में ही हैं, हमको इसके अलावा कहीं जाना नहीं, चाहे हमें यहाँ पे कैद होए या जो भी हमें सज़ाएं मिले वो मंजूर है हमको, लेकिन अब हम यहाँ से जाएंगे तो सीधे मौत की तरफ ही जाएंगे। सुएदार मतलब गैलोस जो, और कुए यार तो खैर आपको मालूम ही है कि यार की गली। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले।